सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशू के रेडर्स। सो कैसे हैं आप लोग, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और गाइस आज हम जा रहे थे रुड़की। यार मैंने इसलिए आज रुड़की से शूट किया है, वरना मैं पहले से ही शूट करता हूँ अपने घर की साइड से, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला मेरे गोप्रो की बैटरी पहले से डाउन थी। तो इसलिए यार फिर मैंने अभी एक फ्रेंड की शॉप है वहाँ पर मैंने चार्ज वगैरह किया एंड फिर व्लॉग अपना स्टार्ट किया। एक्चुअली हम जा रहे हैं IIT रुड़की, आपने सुना होगा नाम, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है और ये पूरे वर्ल्ड पे फेमस है। बाहर से स्टूडेंट भी यहाँ पे बहुत सारे स्टडी कर रहे हैं, बहुत स्टडी करने आते भी हैं एंड सब जानते ही हैं अब, और बहुत खूबसूरत है अंदर से भी। बाकी हर किसी को वहाँ पे अलाउ नहीं करते, मेरा फ्रेंड है और मुझे कुछ काम भी है तो मैं इसलिए जा रहा हूँ। मैंने सोचा आपके लिए एक अच्छा सा व्लॉग बना लूँ। जो यहाँ पर रहते हैं वो उन्होंने तो देखा होगा, सब ने नहीं देखा, लेकिन क्योंकि हर बंदा वहाँ पर अलाउ नहीं होता, बहुत स्ट्रिक्ट है क्योंकि लास्ट अभी 2 साल से कोरोना चल रहा है तो इससे तो और ज़्यादा रूल्स वहाँ पर ना स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो मैंने सोचा एक अच्छा सा व्लॉग बना ले, अंदर तो जा रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे व्यू आने वाले हैं। एंड मेरे साथ अभी शौकीन है, उसको ज़रा मैं कॉलेज भी छोड़ देता हूँ, फिर मैं अकेले निकलूँगा, उसको कुछ काम है। सो आपके लिए एक अच्छा सा व्लॉग बनाऊँगा IIT का। जो बाहर से मेरे सब्सक्राइबर हैं जो देखते हैं वो भी एक बार देख ले, बहुत ही खूबसूरत है यार। एंड जल्दी से यार मेरे लिए प्रे करना, मैं अच्छी सी बाइक ले लूँ। मैं सोच रहा हूँ एक नेकेड में बाइक ले लूँ, जैसे कोई भी NS वगैरह या फिर ड्यूक तो लूँगा नहीं, खैर सुअर जैसी आवाज़ उसकी वो तो लूँगा नहीं और कोई भी मिल जाएगी सेकंड हैंड में कोई अच्छी सी बाइक लेने वाला हूँ आपके लिए व्लॉग वगैरह लेके आने हैं। काफ़ी टाइम हो गया व्लॉग बनाए, क्योंकि अभी लास्ट व्लॉग में अमन बोल भी रहा था मैं लेने वाला हूँ ई रिक्शा तो हम जाया करेंगे ऊपर पहाड़ों में तो गाइस बने रहिएगा व्लॉग में, बहुत अच्छे अच्छे व्यू दिखाऊँगा अभी आपको। सो गाइस अभी शौकीन को छोड़ ओड़ के आराम से फ्री हो गए हैं और हम जा रहे हैं IIT। देखिए IIT स्टार्ट हो गया है और मतलब खूबसूरत रोड और पेड़ वेड़ काफ़ी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। सो भाई मन बहुत लगता है, पहले बहुत घूमे हैं यहाँ पे आके। सो अभी ये IIT का गेट है इधर की साइड, तो अभी चलते हैं ज़रा देखते हैं एंट्री मिलेगी नहीं। अरे यार कोई लड़की बैठी है शायद यहाँ से, तो लेकिन गेट ही बंद है यार, और लड़की भी शायद मेरे को लग रहा है कुछ परेशान है, पूछूँ या ना पूछूँ। दूसरे गेट से तो वैसे भी जाना पड़े, चलो एक बार पूछ ही लेता हूँ कुछ प्रॉब्लम है तो। यार मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी को प्रॉब्लम में देख के। हेलो, हाँ जी, क्या कर रहे हो आप यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे नहीं क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, आप जाइए। अरे कुछ तो ऐसे बैठे हो, मतलब कोई किसी का वेट कर रहे हो, कोई आ रहा है या? नहीं नहीं कुछ नहीं, आ जाइए। फिर भी कुछ तो हुआ होगा ना, तुम्हारे फेस से लग नहीं रहा, क्या हुआ, मतलब पेट क्यों पकड़ रखा है आपने, क्या हुआ? हेलो क्या हुआ? कुछ नहीं, आप जाओ यहाँ से प्लीज़ यार। अरे मैं तो चला जाऊँगा, सॉरी यार डिस्टर्ब किया, लेकिन आप बैठे जैसे मेरे को लगा, मैंने कहा एक बार पूछ लूँ क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? आप प्लीज़ तो जिसे हेल्प कर दो। क्या हुआ बताओ? फोन ले रहा मेरे को अपने भाई को फोन करना है। फोन करना है आपको? अच्छा लो लो, क्या हुआ, आप कुछ परेशान से लग रहे हो मुझे भाई, पता नहीं क्या हो गया यार, बधाई नहीं रही बनती। चलो कोई नहीं, फोन करने दो। क्या हुआ, लग नहीं रहा? ऑफ आ रहा है। किसे कॉल कर रहे थे आप? क्या हुआ आपको, आपको कहीं जाना है क्या, किसी का वेट कर रहे हो तो आप डिस्कस कर सकते हो, क्या हुआ बताओ? एक्चुअली मुझे ना प्रॉब्लम हो रही है, मेरे कपड़े भी गंदे हो चुके हैं। अबे यार शिट, तो आप यहाँ पे, तो आपका घर कहाँ पे है? मेरा सोलानी फिल्म है। एंड यहाँ पे कहाँ आए थे आप? मैं यहाँ अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी, एक्चुअली वो आने वाली थी बट वो आई नहीं और मेरे को अचानक से ऐसा हो। अरे यार शिट, तो मैं छोड़ दूँ आपको? नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो आप घर कैसे जाओगे, मतलब? अरे नहीं यार एक्चुअली मैं छोड़ देता हूँ, मैं, मेरे को अच्छा लगता है हेल्प करना, छोड़ देता हूँ मैं अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इशू ना हो। अरे यार शिट, आप एक काम करो, सुनो आप मेरी जैकेट आप कवर कर सकते हो अगर चाहते हो तो, बाकी मैं आपको छोड़ दूंगा इफ़ यू डोंट माइंड, एज अ ब्रदर सिस्टर आपको छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं, मेरे को अच्छा लगता है आपको ना, आप जैकेट ले लो मेरी, कर लो आप कवर कर लो आराम से। यार बंदी का बहुत ही यार समझ सकता हूँ भाई, गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैं छोड़ देता हूँ आपको, आप चलिए मेरे साथ, ठीक है आओ। हम्म,
जब आपको गर्ल्स प्रॉब्लम होती तो आप आए क्यों बाहर फिर घर से? अच्छा अबे यार नहीं, एक्चुअली मैं ना आईआईटी के अंदर जा रहा था तो मेरे को लगा मेरे को दिखे तुम। मैंने कहा पता नहीं क्या कुछ मुझे लगा, मतलब मैं ना हेल्प करना अच्छा लगता है मुझे, तो मैं इसलिए तुमसे पूछ रहा। बाकी तुम बता नहीं रहे थे लेकिन तुमने बता दिया। क्या हुआ, ज़्यादा दर्द हो रहा है आपको? मेडिसिन वगैरह खाते हो आप? कोई नहीं, चलो एक मैं सुनो मैं आपको एक मेडिसिन ले देता हूँ, कोई भी मेडिकल वगैरह से एक मेडिसिन ले लेता हूँ आपके लिए, वो खा लेना आप घर पे जाके। पहले मेडिसिन ले लेते हैं स्टोर से, ठीक है? सो गाइस यार पहले सिविल लाइन से मेडिसिन ले लूँ यार, पता नहीं कौन सी मेडिसिन होगी लेकिन बोल दूँगा पेन किलर वगैरह तो दे ही देंगे भैया मेडिकल वाले। सो मेडिसिन लेके इनको दे देता हूँ, छोड़ देते हैं यार। यार बंदी को बहुत ही दर्द हो रहा है, मतलब पीछे बैठे ऐसे कर रही है ना, तेरे को बना बहुत अजीब लग रहा है यार अभी फिलहाल। यार कितनी बर्दाश्त करती है ना लड़की है यार, कितना दर्द बर्दाश्त करती है यार, कसम से यार बहुत ही ज़्यादा यार। कुछ को तो इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि क्या बताऊँ, मेरे को दिख रहा है यार अभी बंदी पेट पकड़ के पीछे बैठी हुई है और ऊपर वाले बस। अभी ज़रा मैं मेडिसिन ले लूँ यार, इसको घर छोड़ना है फिर जल्दी से। सो गाइस भैया एक पेन किलर दे देना। कितने की? दो रुपए की यार, 10 रुपीज़ है मेरे पास। कोई बात नहीं, 5 की दे दो आप, ठीक है भैया? ओके। हेलो, अरे तुम बैठ जाते आराम से, खड़े क्यों हुए, वैसी प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें, बैठो। घर में कौन कौन है आपके? अच्छा बड़ा भाई एक। अबे यार चलो कोई नहीं, आप करते क्या हो वैसे? कॉलेज में? ओके ओके, मेरे को बता देना कहाँ पे, सोनालीपुरम में, ठीक है? ओके। तो गाइस छोड़ देते हैं जल्दी से फटाफट से यार, अपना ब्लॉग भी बनाना था लेकिन कोई बात नहीं यार, पहले ये इम्पोर्टेंट है यार, ब्लॉग तो बाद में बनते ही रहेंगे। और ऐसे भी यार अच्छा लगता है यार हेल्प करना किसी के, आप भी आपको भी कोई मिले तो ज़रूर किया करो यार। सोनालीपुरम तो अंदर से जाते हैं ना? अच्छा मैं एक्चुअली मेरे को ज़्यादा पता नहीं, एक दो बार आया हूँ मैं यहाँ पे वैसे। अच्छा इसी अपार्टमेंट में, ठीक है, कौन सा अपार्टमेंट है? अच्छा अच्छा आगे ये यहीं पे आगे या यहाँ पे आगे तो? अच्छा अच्छा ठीक है। कौन सा अपार्टमेंट है ये वाला? अच्छा चलो ठीक है, आप ध्यान से जाओ। और यार देखो थैंक यू तो कोई बात नहीं, थैंक यू मत बोलो। एक बात और, जब भी प्रॉब्लम वगैरह हो कुछ भी, गर्ल्स प्रॉब्लम या कुछ भी, तो मतलब बाहर मत निकला करो, ठीक है? ओके एंड ध्यान रखा करो, ज़्यादा फेन हो रहा है शायद। हाँ आपने कैमरा तो लगा रखा है? एक्चुअली मेरा ना चैनल है यूट्यूब पे, मैं यूट्यूब वगैरह मतलब व्लॉग वगैरह बनाता हूँ यूट्यूब पे। सो इसलिए मैं वही अभी व्लॉग ही शूट करने जा रहा था, मेरे को आप दिख गए तो मैंने आपसे पूछ लिया। सो बुरा तो नहीं लगा आपको? लेकिन मेरे को हेल्प करना ना अच्छा लगता है तो इसलिए। बाकी अपना रेस्ट करना, मेडिसिन लेना, मेडिसिन दे दी मैंने आपको? हाँ ठीक है चलो, अब आराम से रेस्ट करना, ठीक है? आपने कभी किया है पहले? नहीं करा नहीं है, मैंने देखा है तब। अच्छा देखते हो आप? अच्छा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आशु के रेडग्राम से। हाँ चलना आप, लेकिन पहले ना आप स्ट्रॉन्ग से हो जाओ। नंबर दूँ? चलो ठीक है। ठीक है मैंने मिस कॉल कर दिया ऐसे ही, आप सेव कर लेना। थैंक यू यार, आपके जैसे लड़के इसमें तो सबको मिला, आप यकीन नहीं करोगे, वहाँ इतने सारे लोग गुजरे। अच्छा क्या बताऊँ मैं, गंदी नजर इतनी, एक बार भी कोई पूछने नहीं आया गया हुआ, यकीन नहीं करोगे मेरे रोने निकल जाती अगर आप आते ना वहाँ पे। अबे यार चलो कोई नहीं, खैर ऊपर वाले ने भेज दिया यार। मेरे को लगा ही तुम ऐसे मतलब हेड डाउन करके बैठे थे, मेरे को लगा, मैंने कहा यार शायद कोई प्रॉब्लम है, एक बार पूछ लेता हूँ, चलो पूछने में क्या जा रहा है। तो आपने पहले तो मेरे को मना किया लेकिन फिर आपने खैर मुझे बता दिया जब स्विच ऑफ आ रहा था नंबर जिसका भी, तो खैर चलो कोई नहीं
अब जाओ आराम से ब्रश करो कुछ खा पी के। आपकी जैकेट मैं आपको बाद में दे दूंगा, एक्चुअली गंदी हो चुकी है। गंदी हो गई है? अच्छा चलो कोई नहीं, आप एक काम करना, नंबर आपके पास आ गया, जब नेक्स्ट टाइम व्लॉग में आएंगे तो तब दे देना, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलो ठीक है, बाय। ओके हाँ, और मैंने ना तुम्हारा नाम नहीं पूछा यार, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम एक्चुअली रूपाली है। रूपाली, अच्छा अच्छा ठीक है, चलो बाय। तो भाई अभी लड़की को छोड़ दिया यार, रूपाली नाम है लड़की का, बाकी बोल रही थी कि व्लॉग वगैरह बनाऊंगी साथ में, सो कोई नहीं यार, जब उन्होंने बोला है उसको पसंद है तो बना लेंगे, क्या दिक्कत है। सो भाई यार आज का व्लॉग पता नहीं यार, सो भाई बहुत अच्छा लगता है यार किसी की हेल्प करना, इतना अच्छा लगा हेल्प करके बहुत ज़्यादा यार, मतलब एक खुशी अलग ही फीलिंग मिल गई, सुबह सुबह दिन अच्छा बन गया यार आज हमारा, तो कोई बात नहीं यार। खैर ऊपर वाला ना रेंडमली हर चीज़ दे देता है, मतलब लोग तो क्या होता है, बहुत से लोग स्क्रिप्टेड बनाते हैं, बहुत मतलब लोग सोचते भी होंगे। अभी लास्ट टाइम मैंने एक लड़की की हेल्प की थी तो लोगों ने बोला भाई कौन थी, मैंने कहा भाई कौन नहीं थी, अगर जानता तो ज़रूर मैंने कहा फिर स्क्रिप्टेड टाइप करता, लेकिन नहीं यार, मैंने कहा रियल में बंदी मिली थी, परेशान थी, और ये भी आज भी ऐसे ही हुआ है, मेरे को रैंडमली मिल जाता है। बाकी यार आईटी का वो गेट बंद है, इसी गेट से हमें जाना पड़ेगा। ये तो पूरा कैमरे में यार रिकॉर्ड हो गया है, देखता हूँ यार बाकी बैटरी डाउन हो गई, क्योंकि 4-5 मिनट से वीडियो शूट कर रहा हूँ, गोप्रो की बैटरी ज़्यादा चलती नहीं है, अभी कहीं चार्ज करूँगा, उसके बाद एक व्लॉग देखूँगा आईटी का बना के, और भैया पे कॉल करता हूँ, उधर का गेट बंद है, इस गेट से जाना पड़ेगा, उनको बुलाऊँगा तभी एंट्री देंगे, वरना एंट्री नहीं देंगे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे प्यार देते रहिए, तुम्हारे भाई के 1K हो चुके हैं, बहुत खुश हो यार, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।